इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, सबसे पहले समझेंगे विजुअल एंगल क्या होता है। विजुअल एंगल, एंगल सबटेंडेड बाई ऑब्जेक्ट एट आई इज कॉल्ड विजुअल एंगल। कोई भी ऑब्जेक्ट हमारी आंख पे कितना एंगल बनाता है उसे विजुअल एंगल कहते हैं। सपोज मैं ऑब्जेक्ट को पास ले आऊं तो एंगल बड़ा हो जाएगा। एंगल बड़ा हो जाएगा तो ऑब्जेक्ट भी बड़ा दिखाई देने लगेगा। मोर इज द विजुअल एंगल, मोर इज द विजुअल एंगल, बिगर विल ऑब्जेक्ट अपीयर, बिगर विल ऑब्जेक्ट अपीयर। जितना ज्यादा विजुअल एंगल ज्यादा होगा उतना ऑब्जेक्ट अपीयर होगा। दूर के पेड़ छोटे दिखाई देते हैं, पास के पेड़ बड़े दिखाई देते हैं, क्योंकि दूर के पेड़ के लिए विजुअल एंगल कम होता है और पास के पेड़ के लिए विजुअल एंगल ज्यादा होता है। जितना बड़ा विजुअल एंगल होगा उतना बड़ा ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। अब देखते हैं नियर पॉइंट, क्लोजेस्ट डिस्टेंस, क्लोजेस्ट डिस्टेंस अप टू विच आई कैन सी क्लियरली इज कॉल्ड नियर पॉइंट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड लीस्ट डिस्टेंस ऑफ, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। यानी सबसे कम हमें किस डिस्टेंस तक सबसे क्लियरली दिखाई देता है उसे कहते हैं नियर पॉइंट। और नियर पॉइंट नॉर्मल आई के लिए 25 सेंटीमीटर होता है, डी से लिखा जाता है। ऐसे ही होता है फार पॉइंट, फार पॉइंट होता है मैक्सिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच आई कैन सी क्लियरली। और फार पॉइंट नॉर्मल आई के लिए होता है इन्फिनिटी। नॉर्मल आई के लिए फार पॉइंट जो होता है वो इन्फिनिटी होता है। तो आपको इस चैप्टर में इन दो कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी, एक तो विजुअल एंगल की ज़रूरत पड़ेगी, एक नियर पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत सारे सवालों में नियर पॉइंट लगाना पड़ता है और नियर पॉइंट की वैल्यू 25 सेंटीमीटर होती है और फार पॉइंट की वैल्यू इन्फिनिटी होती है। अब हम देखेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप, देखेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है और इससे इसकी मैग्नीफाइंग पावर निकालना सीखेंगे। तो जो हम नॉर्मल लेंस यूज करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस, हम जानते हैं अगर कॉन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ के अगर पहले ऑब्जेक्ट रखा होता है तो उसकी इमेज वर्चुअल और बड़ी बनती है। तो इसको
मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह भी यूज़ करते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप वही होता है मैग्नीफाइंग ग्लास, जो आप बच्चे जो है खेलने के लिए यूज़ करते हैं, या किसी छोटी चीज़ को पढ़ने के लिए हम मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज़ करते हैं। तो सिंपल माइक्रोस्कोप एक कॉन्वेक्स लेंस होता है, तो ये एक कॉन्वेक्स लेंस है। और फोकल लेंथ के अंदर ऑब्जेक्ट रखा है, ये ऑब्जेक्ट रखा है ए बी, जो रे पैरेलल जाएगी वो फोकस से निकलेगी, और जो रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो ऐसे ही निकल जाएगी, पीछे इसकी इमेज बनेगी। पीछे इमेज बनेगी और इमेज जो है बड़ी बनेगी, तो जितनी बड़ी इमेज बनेगी उतना बड़ा हमें दिखाई देगा। तो इमेज जो एंगल बनाती है उसे हम कहते हैं बीटा। फाइनल इमेज जो हमारी आंख पे एंगल बनाती है उसे कहते हैं बीटा। और अल्फा समझ लो, ऑब्जेक्ट बिना डिस्टेंस, बिना सॉरी लेंस के या बिना इंस्ट्रूमेंट के जो एंगल बनाता है डी दूरी पर रखने पे, यानी नियर पॉइंट पर रखने पर, उसे कहते हैं अल्फा। तो अगर ये एंगल बड़ा हो जाएगा, जैसे पहले हमने ऑब्जेक्ट को डी दूरी पर रखा हुआ है और उसको हम देख रहे हैं, उसका एंगल अल्फा है। अब हमने इसे इंस्ट्रूमेंट के आगे रख दिया ऑब्जेक्ट को, अब इसकी इमेज बड़ी बन रही है। अब एंगल अगर बीटा है तो बीटा जितना अल्फा से बड़ा होगा उसे हम कहेंगे मैग्नीफाइंग पावर। तो मैग्नीफाइंग पावर का जो फार्मूला होता है वो होता है बीटा अपॉन अल्फा। बीटा क्या होता है? एंगल सबटेंडेड बाई इमेज एट आई अपॉन एंगल सबटेंडेड बाई ऑब्जेक्ट व्हेन प्लेस्ड एट डी। तो हमें यहाँ पर क्या होता है, मैग्नीफाइंग पावर ही निकालनी होती है। हर इंस्ट्रूमेंट की हम मैग्नीफाइंग पावर निकालेंगे। तो मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला जो आपको बताया वो मैंने बताया बीटा अपॉन अल्फा। स्मॉल एंगल के लिए दिस कुड ऑल्सो बी रिटन एज 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा। अब ये ऑब्जेक्ट की दूरी है, ऑब्जेक्ट की दूरी को यू कहते हैं, और जो इमेज की दूरी है इसे वी कहते हैं। तो हमें मैग्नीफाइंग पावर निकालनी है सिंपल माइक्रोस्कोप की। सिंपल माइक्रोस्कोप वाकई में सिंपल ही है। तो एम 10 बीटा, 10 बीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, साइन के संग लेंगे क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है ऑब्जेक्ट तो पॉजिटिव, और यू डिस्टेंस जो है लाइट के अपोजिट है तो नेगेटिव। सिमिलरली यहाँ से निकालेंगे 10 अल्फा ए बी अपॉन माइनस का डी। तो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला आ रहा है डी अपॉन यू। तो सिंपल माइक्रोस्कोप की जो मैग्नीफाइंग पावर होती है उसका फार्मूला आता है डी अपॉन यू। अब इसमें दो केस होते हैं। पहला केस है व्हेन फाइनल इमेज इज एट डी, यानी जो फाइनल इमेज है, जो वी है, वी मतलब जो इमेज की दूरी है वो डी है, इसको कहते हैं नियर पॉइंट पे इमेज बन रही है। नियर पॉइंट पे इमेज बन रही है, तो यहाँ हम लेंस का फॉर्मूला लगाएंगे 1/v - 1/u / 1/f। वी जो है वो नेगेटिव है माइनस डी, और यू भी जो नेगेटिव है, और एफ फोकल लेंथ पॉजिटिव है क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है। तो 1/u की वैल्यू आ रही है 1/d + 1/f।
इसको उठा के हम मैग्नीफाइंग पावर के फॉर्मूले में रख देंगे। मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला है डी अपॉन यू, ये लर्न करना है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। और अगर मैं डी की वैल्यू रख दूं वन अपॉन वन यू की वैल्यू रख दूं वन अपॉन यू की वैल्यू रख दूं वन अपॉन डी प्लस वन अपॉन एफ, मैंने वन अपॉन यू की वैल्यू रख दी, तो मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला आ रहा है वन प्लस डी अपॉन एफ। यानी कि जब इमेज डी पर बनती है तो सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला आता है वन प्लस डी अपॉन एफ, ये भी आपको याद रखना है। अब दूसरा केस होता है व्हेन फाइनल इमेज इज एट इन्फिनिटी, व्हेन फाइनल इमेज इज एट इन्फिनिटी, जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी बन रही है तो जो वी है वो इन्फिनिटी हो गया। दोबारा से लेंस का फार्मूला लिख लिया, वी जो है इन्फिनिटी हो गया, यू की वैल्यू नेगेटिव यू रख दी साइन के संग, और एफ ये तो यू की वैल्यू आ रही है एफ। तो मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला, क्योंकि डी अपॉन यू था तो मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला आ रहा है डी अपॉन एफ। और डी तो आप जानते ही हैं, डी 25 सेंटीमीटर होता है। अगर सवाल में कुछ और दिया हुआ है तो डी की वैल्यू जो दी होगी वो लेनी पड़ेगी, लेकिन वैसे अगर सवाल में नहीं दिया होता, न्यूमेरिकल में नहीं दिया होता, तो डी की वैल्यू हम 25 सेंटीमीटर ही रखते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन करके देखते हैं। अ लेंस हैज फोकल लेंथ, अ लेंस हैज फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, कैलकुलेट मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप व्हेन फाइनल इमेज, व्हेन फाइनल इमेज इज एट डी, जब फाइनल इमेज डी पर बनती है तो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला होता है वन प्लस डी अपॉन एफ। ध्यान रखें, मैग्नीफाइंग पावर के फॉर्मूले में हम कोई साइन नहीं रखते हैं, नो साइन इज टू बी केप्ट, ना तो डी का कोई साइन रखेंगे ना एफ का कोई साइन रखेंगे। तो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला लगाने पर वन प्लस डी, डी की वैल्यू 25 है, अपॉन 10, सॉल्व करके आ रहा है वन प्लस 2.5, यानी कि मैग्नीफाइंग पावर आ गई 3.5। मैग्नीफाइंग पावर 3.5, एक तो इसमें मैग्नीफाइंग पावर पॉजिटिव आती है, पॉजिटिव मैग्नीफाइंग पावर आ रहा दिखा रहा है कि इमेज जो है वो इरेक्ट बनेगी, और बनती भी है, सिंपल माइक्रोस्कोप में इमेज इरेक्ट बनती है। अब मैग्नीफाइंग पावर के दो फॉर्मूले थे आपके पास, जब फाइनल इमेज डी पर थी तो मैग्नीफाइंग पावर वन प्लस डी अपॉन एफ आई थी, और जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे थी तो डी वाई एफ आई थी। तो ज़्यादा मैग्नीफाइंग पावर आ रही है डी वाले केस में, ज़्यादा मैग्नीफाइंग पावर वाले किस केस में आ रही है, जब फाइनल इमेज डी पर है। जब फाइनल इमेज डी पर होती है यानी नियर पॉइंट पे इमेज बनती है तो मैग्नीफाइंग पावर की वैल्यू ज़्यादा आती है एज़ कंपेयर टू मैग्नीफाइंग पावर एट इन्फिनिटी सिंपल माइक्रोस्कोप में। एक और छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप का। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप वैन इमेज इज एट नियर पॉइंट, वैन इमेज इज एट नियर पॉइंट इज 10। फाइंड फोकल लेंथ ऑफ लेंस, फाइंड फोकल लेंथ ऑफ लेंस। मैं सिंपल माइक्रोस्कोप के क्वेश्चन भी सिंपल होते हैं,
वन प्लस डी बाई एफ। वैसे इसे इसलिए सिंपल कहते हैं क्योंकि इसमें एक लेंस यूज होता है। अब मैग्नीफाइंग पावर बता रहा है 10 और डी की वैल्यू होती है 25 और फोकल लेंथ पूछ रहा है, तो हम कह सकते हैं 25 अपॉन एफ इज इक्वल टू 9। तो फोकल लेंथ की वैल्यू आ रही है 25/9 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम सिंपल माइक्रोस्कोप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं बेटा कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप इसलिए कहते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्योंकि इसमें दो लेंस होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ टू लेंस। ऑब्जेक्टिव ऑफ स्मॉल अपर्चर, ऑब्जेक्टिव ऑफ स्मॉल अपर्चर एंड स्मॉल फोकल लेंथ। एंड आई लेंस ऑफ लार्ज अपर्चर एंड लार्ज फोकल लेंथ। अब ऑब्जेक्टिव जो होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस, जो ऑब्जेक्ट के पास वाला लेंस होता है उसे ऑब्जेक्टिव कहते हैं, और जो आंख के पास वाला लेंस होता है उसे आई लेंस कहते हैं। दो लेंस होते हैं। फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव की लगभग 1 सेंटीमीटर छोटी ही होती है और आई लेंस की थोड़ी सी बड़ी होती है, 2 सेंटीमीटर। ध्यान रखना FE-FO इज नॉट लार्ज, ज़्यादा बड़ा नहीं होता माइक्रोस्कोप में। लिखा तो ऐसे है जैसे ऐसा लग रहा है कि आई लेंस की फोकल लेंथ बहुत ज़्यादा होगी, पर आई लेंस की फोकल लेंथ बहुत ज़्यादा नहीं होती है, ऑब्जेक्टिव से थोड़ी सी ही बड़ी होती है। एपर्चर का मतलब होता है साइज, साइज ऑब्जेक्टिव का छोटा साइज होता है और आई लेंस का बड़ा साइज होता है। अब हम देखते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप का डायग्राम। तो इसमें जो ऑब्जेक्टिव होता है वो छोटे अपर्चर का होता है और जो आई लेंस होता है वो साइज में बड़ा होता है। अब देखिए एक ऑब्जेक्ट फोकस के बाहर रखा हुआ है, इसमें फोकस से बाहर रखा हुआ मतलब फोकस से दूर रखा हुआ है। जो रे पैरेलल जाएगी वो फोकस से निकलेगी और जो रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो ऐसी निकल जाएगी, इमेज बन जाएगी यहाँ पर। ये इमेज जो है ऑब्जेक्टिव लेंस की है ए डैश बी डैश, और ये ऑब्जेक्ट है ए बी। अब ये वाली इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, जो रे पैरेलल जाएगी इसकी फोकल लेंथ बड़ी होती है, तो ये जो रे पैरेलल जाएगी फोकस से निकल जाएगी, जो रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी ऐसे निकल जाएगी, पीछे इमेज बनेगी। ध्यान रखें जो पहले वाले लेंस यानी कि ऑब्जेक्टिव लेंस की जो इमेज होती है वो इसके इसके फोकस के अंदर बनती है जिससे कि ये बड़ी इमेज बना सके। तो ए डबल डैश बी डबल डैश इज द फाइनल इमेज ऑफ आई लेंस, ये आई लेंस है, और फाइनल इमेज जो आंख पे एंगल बनाती है उसे हम कहते हैं बीटा। फाइनल इमेज जो आंख पे एंगल बनाती है उसे कहते हैं बीटा। ये जो ऑब्जेक्ट की दूरी है आई लेंस से इसे लिखेंगे यूई, और जो इमेज की दूरी है आई लेंस से इसे लिखेंगे वी। आई लेंस है ना इसलिए ई लगा दिया है। जो ऑब्जेक्ट की दूरी है ऑब्जेक्टिव से उसे लिखेंगे यू, और जो आई लेंस की दूरी ऑब्जेक्ट से इमेज की दूरी है उसे लिखेंगे वी ओ। ध्यान रखें टर्मिनोलॉजी ये आगे भी काम आएगी।
अब मैंने आपको बताया था अल्फा क्या होता है, बिना इंस्ट्रूमेंट के जो ऑब्जेक्ट डी दूरी पर रखने पर जो एंगल बनाता है उसे कहते हैं अल्फा। तो मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला होता है बीटा अपॉन अल्फा, मतलब ये एंगल कितना बढ़ गया, विजुअल एंगल कितना बढ़ गया। जितना विजुअल एंगल बड़ा हो जाएगा उतना बड़ा दिखाई देगा। तो एम का फार्मूला हम लिख सकते हैं आगे, टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा। तो टेन बीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो माइनस ए डैश बी डैश अपॉन यू ई। छोटे वाले ट्रायंगल से देखा है, बड़े वाले ट्रायंगल से नहीं देखा, छोटे वाले देखा है। माइनस ए डैश बी डैश अपॉन माइनस का यू ई। माइनस ए इसलिए लिया है क्योंकि ये नीचे है तो माइनस, और ये पीछे है तो माइनस, लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में है। ऐसे ही ये ए बी अपॉन माइनस का डी, ए बी अपॉन माइनस का डी। तो मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला आ रहा है माइनस ए डैश बी डैश अपॉन ए बी डी अपॉन यू ई। अब ए डैश बी डैश और अपॉन ए बी, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस एम ओ इंटू डी अपॉन यू ई, मैग्नीफाइंग पावर को। और मैग्नीफिकेशन एम ओ मैग्नीफिकेशन है, मैग्नीफिकेशन का पहले फार्मूला पढ़ चुके हैं वी अपॉन यू, तो माइनस वी ओ अपॉन यू ओ डी अपॉन यू ई। दिस इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ, दिस इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ माइक्रोस्कोप। तो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप का फार्मूला निकल रहा है माइनस वी ओ अपॉन यू ओ डी अपॉन यू ई, आपको ये याद रखना है। अब इसमें भी दो केस होते हैं, जब फाइनल इमेज डी पर बनती है, जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बनती है। अब मैं आपको समझाता हूँ दो केस। केस वन, व्हेन फाइनल इमेज इज एट डी, ऐसा क्वेश्चन में दिया होगा कि फाइनल इमेज डी पे बन रही है, डी को नियर पॉइंट भी कहते हैं, नियर पॉइंट पे बन रही है, और इसको नॉर्मल एडजस्टमेंट भी कहते हैं माइक्रोस्कोप का, नॉर्मल एडजस्टमेंट, नॉर्मल एडजस्टमेंट व्हेन फाइनल इमेज इज एट डी। अब देखिए ये जो फाइनल इमेज है, ये जो फाइनल इमेज बन रही है ये डी पे बन रही है, यानी वी की वैल्यू डी है और यू की वैल्यू तो यू ही है, और आई लेंस की फोकल लेंथ एफ ई है और ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ एफ ओ है, दोनों ही कॉन्वेक्स लेंस है इसलिए दोनों ही फोकल लेंथ पॉजिटिव ली जाएंगी। अब देखिए हम जानते हैं वन अपॉन वी आई लेंस के लिए माइनस वन अपॉन यू ई इज इक्वल टू वन अपॉन एफ ई। तो वन अपॉन वी, वी जो है डी पर है, यू ई का भी मैंने साइन रख दिया है, वन अपॉन यू ई इज इक्वल टू वन अपॉन एफ। तो वन अपॉन यू ई की वैल्यू आ रही है वन अपॉन डी प्लस वन अपॉन एफ ई। मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला पढ़ाता माइनस वी ओ अपॉन यू ओ डी अपॉन यू ई। तो मैं क्या कर सकता हूँ, वन अपॉन यू ई की वैल्यू रख देता हूँ। तो मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला आ रहा है माइनस वी ओ अपॉन यू ओ डी, वन अपॉन यू ई की जगह रख दिया वन अपॉन डी प्लस वन अपॉन एफ ई। सॉल्व करके मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला आ रहा है माइनस वी ओ अपॉन यू ओ वन प्लस डी अपॉन एफ ई। ये आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए याद रखना पड़ेगा, जब फाइनल इमेज डी पर बनती है तो ये होता है। अब लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप या ट्यूब लेंथ, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू लेंस। अगर हम डायग्राम देखें, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस वी ओ है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस यू ई है, तो टोटल लेंथ हो जाएगी वी ओ प्लस वी ई। तो टोटल लेंथ हो जाएगी वी ओ, मॉड लगा देते हैं जिससे आप साइन रखें भी तो पॉजिटिव आ जाए, साइन नहीं लेते हम वी ओ यू ई में, तो इसलिए मॉड लगा दिया है मैंने वी ओ प्लस यू ई। अब केस टू क्या होता है, केस टू होता है व्हेन फाइनल इमेज इज एट इन्फिनिटी। इस इन्फिनिटी वाले केस को कहते हैं रिलैक्स्ड आई, यानी आई रिलैक्स्ड है, आई का लेंस रिलैक्स्ड है। तो अब फिर से लगाते हैं वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू ई इज इक्वल टू वन अपॉन एफ ई। वन अपॉन ई यानी वन अपॉन इन्फिनिटी,
वन अपॉन यू ई, यू ई की वैल्यू नेगेटिव रख दी, इज इक्वल टू वन अपॉन एफ ई, तो ये यू ई आ जाएगा एफ ई के बराबर। अब मैग्नीफाइंग पावर कितनी पड़ी थी, मैग्नीफाइंग पावर पड़ी थी माइनस वी ओ अपॉन यू ओ डी अपॉन यू ई, तो यू ई की जगह बेटा एफ ई आ जाएगा, माइनस वी ओ अपॉन यू ओ डी अपॉन एफ ई। और क्योंकि लेंथ वी ओ प्लस यू ई थी और यू ई यहाँ पर एफ ई बन चुका है, तो लेंथ हो जाएगी वी ओ प्लस एफ ई। तो आपको ये फार्मूले लर्न करने पड़ेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप के सवाल को करने के लिए। तीन दो केस होते हैं, जब फाइनल इमेज डी पर बन रही हो तो ये याद करना ये लेंथ है, जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बन रही हो तो ये मैग्नीफाइंग पावर है, ये लेंथ है। तो ये दो फार्मूले आपको लर्न करने पड़ेंगे, तभी आप इसका कोई क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अब देखते हैं बेटा टेलीस्कोप, टेलीस्कोप इट इज एन इंस्ट्रूमेंट, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू सी, विच इज यूज्ड टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है दूर के ऑब्जेक्ट देखने का काम आता है। इट कंसिस्ट ऑफ टू लेंस, ऑब्जेक्टिव ऑफ लार्ज अपर्चर, ऑफ लार्ज अपर्चर एंड लार्ज फोकल लेंथ, लार्ज फोकल लेंथ एंड आई लेंस, एंड आई लेंस ऑफ स्मॉल अपर्चर एंड स्मॉल फोकल लेंथ। तो उल्टा होता है माइक्रोस्कोप का टेलीस्कोप में, लेकिन फिर भी माइक्रोस्कोप को उल्टा करने से टेलीस्कोप नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है 100 सेंटीमीटर, और आई लेंस अराउंड बता रहा हूँ मैं, आई लेंस 5 सेंटीमीटर, तो काफ़ी डिफरेंस होता है, एफ ओ माइनस एफ ई इज लार्ज, एफ ओ माइनस एफ ई इज लार्ज, तो एफ ओ माइनस एफ ई इसमें लार्ज होता है, इसीलिए माइक्रोस्कोप को उल्टा करने पर टेलीस्कोप नहीं बनेगा और टेलीस्कोप को उल्टा करने पर माइक्रोस्कोप नहीं बनेगा। अब इसके मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, तो इसमें ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा होता है, आई लेंस छोटा होता है, मान लो कोई इन्फिनिटी से रे आ रही है, तो इमेज जो है वो फोकस पे बनेगी, फोकस या फोकल प्लेन, तो ए डैश बी डैश इमेज बन गई, क्योंकि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज जो बनेगी वो फोकस पे बनेगी, जो रे पैरेलल जाएगी फिर वही करना है, ये इमेज इसकी फोकस के अंदर है, और जो रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी ऐसी निकल जाएगी, इमेज पीछे बनेगी जैसे माइक्रोस्कोप में बन रही थी, ये दूरी यू ई होगी, ये दूरी वी ई होगी, बस एक चेंज आ जाएगा इसमें, एंगल बीटा जो फाइनल इमेज बना रही है वो होती है, लेकिन एंगल अल्फा वो नहीं होता जैसे पहले होता था, एंगल अल्फा पहले होता था जब ऑब्जेक्ट को डी दूरी पर रखें, टेलीस्कोप में ऑब्जेक्ट दूर के होते हैं, डी दूरी पर रख ही नहीं सकते, जैसे हम सन को देख रहे हैं, मून को देख रहे हैं, क्या हम मून और सन को डी दूरी पर रख पाएंगे, तो इसमें एंगल अल्फा ये होता है ओरिजिनल पोजिशन पे बिना टेलीस्कोप के देखने पर जो एंगल होता है वो अल्फा होता है, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। अब फिर वही मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला,
मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला होता है बीटा अपॉन अल्फा, विच कुड बी रिटन एज टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा। अब हम साइन के संग टेन बीटा टेन अल्फा रखेंगे। टेन बीटा माइनस ए डैश बी डैश अपॉन माइनस यू ई, माइनस ए डैश बी डैश अपॉन माइनस यू ई, और टेन अल्फा यहाँ से निकला आएगा माइनस ए डैश बी डैश अपॉन एफ ओ। तो मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला जो निकल रहा है माइनस एफ ओ अपॉन यू, तो ये फार्मूला यूज होगा। अब इसमें भी दो ही केस होते हैं वैसे। सबसे पहले लिख लेते हैं व्हेन फाइनल इमेज इज एट डी, फाइनल इमेज डी पे बन रही है, तो जो वी है वो डी हो गया, वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू ई इज इक्वल टू वन अपॉन एफ ई, जैसे पहले कर रहे थे। तो वन अपॉन माइनस का डी माइनस का यू ई इज इक्वल टू वन अपॉन एफ ई, तो वन अपॉन यू ई की वैल्यू आ रही है वन अपॉन डी प्लस वन अपॉन एफ ई। तो मैग्नीफाइंग पावर के फॉर्मूले में था माइनस एफ ओ अपॉन यू ई, तो वन अपॉन यू ई की वैल्यू रख देते हैं वन अपॉन डी प्लस वन अपॉन एफ ई। तो ये फॉर्मूला लगेगा मैग्नीफाइंग पावर जब हमें डी दूरी पर निकालनी हो, डी यानी कि नियर पॉइंट पे निकालनी हो मैग्नीफाइंग पावर, तब ये फार्मूला लगाएंगे। और लेंथ, लेंथ होती है डिस्टेंस बिटवीन टू लेंस, यहाँ से यहाँ तक एफ ओ है और यहाँ से यहाँ तक यू ई है, तो लेंथ हो जाएगी लेंथ ऑफ ट्यूब या लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप कुछ भी कहे, वी ओ प्लस यू ई, वी ओ प्लस यू ई। जैसे उसके दो केस थे ऐसे ही इसके भी दो केस हैं। दूसरा केस है व्हेन फाइनल इमेज इज एट इन्फिनिटी, व्हेन फाइनल इमेज इज एट इन्फिनिटी, फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बन रही है, इसको इसमें नॉर्मल एडजस्टमेंट कहते हैं। उसमें डी वाला नॉर्मल एडजस्टमेंट है, इसमें इन्फिनिटी वाला नॉर्मल एडजस्टमेंट है, ये ध्यान रखें, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू ई इज इक्वल टू वन अपॉन एफ ई, तो वन अपॉन वी, वी इन्फिनिटी पे बन रही है, यू ई की जगह माइनस यू रख दिया वन अपॉन एफ ई, तो यू ई बिकम इक्वल टू एफ ई। तो मैग्नीफाइंग पावर हो जाएगी माइनस एफ ओ अपॉन यू ई होता है, यू ई की जगह एफ ई आ जाएगा, माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई। और लेंथ जो होती है वो एफ ओ प्लस यू ई होती है, और यू ई जो है एफ ई के बराबर है, तो एफ ओ प्लस एफ ई। मॉड इसलिए लगा दिया कि आप साइन ना ले लें गलती से भी। तो इस तरीके से हम टेलीस्कोप हमने सीखा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप सीखा, सिंपल माइक्रोस्कोप सीखा, सिंपल माइक्रोस्कोप के कुछ न्यूमेरिकल भी कर लिए। अब हम न्यूमेरिकल करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप के। न्यूमेरिकल बेटा बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बोर्ड में भी आते हैं, कंपटीशन में भी आते हैं। अब देखिए अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैज ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ, ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 1 सेंटीमीटर एंड आई लेंस ऑफ फोकल लेंथ, आई लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2.5 सेंटीमीटर। इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 1.2 सेंटीमीटर फ्रॉम ऑब्जेक्टिव, फाइंड मैग्नीफाइंग पावर, फाइंड मैग्नीफाइंग पावर व्हेन फाइनल इमेज इज एट डी, फाइनल इमेज इज एट डी, फाइनल इमेज डी पे बन रही है। तो हमको मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला मालूम ही है, माइनस वी ओ अपॉन यू वन प्लस डी अपॉन एफ ई।
अब हमारे पास थोड़ा डायग्राम से समझना पड़ता है, तो एक छोटा सा डायग्राम बना लो माइक्रोस्कोप का। डायग्राम अगर आपको याद हो तो, ये होता था हमारा वी बेटा, ये होता था यूई, ये होता था यूओ, और ये हमारा होता था वीओ। तो हमारे पास यूओ है और एफओ है, तो यूओ और एफओ की सहायता से वीओ मिल जाएगा। वीओ और यूओ मिलते ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो हमें कुछ नहीं करना है, लेंस का फार्मूला लगाना है। लेंस का फार्मूला होता है 1/VO - 1/UO इज इक्वल टू 1/FO। तो 1/VO इमेज बन रही है, इमेज निकालनी है, कहाँ बन रही है। यूओ ऑब्जेक्ट की दूरी, ऑब्जेक्ट की दूरी दे रखी है 1.2 सेंटीमीटर, 1.2 सेंटीमीटर लेंथ से दे रखी है, तो इसे -1.2 लेंगे। और फोकल लेंथ दे रखी है 1 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट की, तो 1/VO आ जाएगा 1 - 10/12 लिख लिया है मैंने, तो 10/12 5/6 हो गया, 1 - 5/6। तो वीओ आ जाएगा तुम्हारा, वीओ आ जाएगा तुम्हारा 6 सेंटीमीटर। अब मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला लगा दो, -VO/UO 1+D/FE। डी हमें मालूम होता है 25 सेंटीमीटर, तो वीओ आया है 6, यू आया है 1.2, 1+D की वैल्यू आई 25, और FE जो होता है वो इस केस में दिया हुआ है तुम्हें 2.5। तो सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -6 × 11/1.2, जिसको आप सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी -55। तो मैग्नीफाइंग पावर जो है वो 55 है। तो इस तरीके से हम माइक्रोस्कोप का भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अब देखते हैं बेटा, क्वेश्चन देखते हैं। अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैज ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 1 सेंटीमीटर एंड आई पीस, आई पीस और आई लेंथ एक ही बात होती है, आई पीस ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर इफ लेंथ ऑफ ट्यूब, इफ लेंथ ऑफ ट्यूब, लेंथ ऑफ ट्यूब मतलब लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप इज 20 सेंटीमीटर, कैलकुलेट मैग्नीफाइंग पावर, कैलकुलेट मैग्नीफाइंग पावर व्हेन फाइनल इमेज इज एट इन्फिनिटी। तो बेटा फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे है, मैग्नीफाइंग पावर निकालनी है, तो सबसे पहले फार्मूला ही लिख लेते हैं। फार्मूला होता है -VO/UO D/FE, और लेंथ होती है इस कंडीशन में VO+FE। अब हमारे पास ना तो VO है ना UO है, D है 25 सेंटीमीटर, FE की वैल्यू है 2 सेंटीमीटर। तो FO कितना दिया है, FO दिया है 1, FE कितना दिया है 2। तो सबसे पहले डायग्राम के अकॉर्डिंग डायग्राम बना लेते हैं, छोटा सा डायग्राम से आसानी से समझ में आ जाता है। ये डायग्राम आप याद रखें हमेशा, डायग्राम से करेंगे तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा और अच्छी तरह समझ में आएगा। ये वाली दूरी यू ही होती है और ये वाली दूरी होती है वी, ये होता है वी ओ और ये होता है यू। तो अपने को
क्या मालूम है, फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बननी, यानी वी इन्फिनिटी है, वी इन्फिनिटी है। तो वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू ई इज इक्वल टू वन अपॉन एफ ई। वी की जगह इन्फिनिटी रख दिया, यू ई की जगह यू ई रख दिया, और एफ ई की जगह रख दिया, एफ ई की जगह रख दिया टू, एफ ई टू है तो यू ई टू आ गया, यू ई एफ ई के बराबर आ गया। ठीक है, अब लेंथ होती है वी ओ प्लस एफ ई, या वी ओ प्लस यू ई कुछ भी कह सकते हैं, यू ई एफ ई बराबर है इस केस में। तो है वी ओ प्लस टू, यानी 20 इज इक्वल टू वी ओ प्लस टू, तो वी ओ आ गया 18, तो वी ओ 18 आ गया। अब हमारे पास वी ओ है, हमारे पास डी भी है, हमारे पास एफ ई भी है। अब रह गई बात यू ई की, तो वन अपॉन वी ओ माइनस वन अपॉन यू ओ इज इक्वल टू वन अपॉन एफ ओ। तो वन अपॉन वी ओ, वी ओ 18 है, यू ओ निकालना है, और एफ ओ जो है वो वन दे रखा है, एफ ओ वन दे रखा है हमारा को। तो माइनस वन अपॉन यू ओ इजिकल टू वन माइनस वन बाई 18, तो ये आ जाएगा माइनस वन अपॉन यू ओ इजिकल टू 17/8। तो यू ओ की वैल्यू आ रही है माइनस 18/17। तो इस तरीके से हमको काफ़ी चीज़ें पता लग गई, वी ओ पता लग गया, यू ओ पता लग गया, और डी पता लग गया। डी मालूम है 25 सेंटीमीटर है, एफ ई हमें मालूम है 2 सेंटीमीटर है। तो अब मैं फॉर्मूले में अप्लाई करता हूँ वैल्यूज, फॉर्मूले में हम अप्लाई करते हैं इन वैल्यूज़ को। वी ओ कितना निकला है, वी ओ निकला था 18, यू ओ कितना निकला है माइनस 18/17, डी कितना है 25, यू एफ ई कितना है, एफ ई है 2, एफ ई 2 है। फार्मूला लगा दो, एम का फार्मूला आएगा माइनस वी ओ अपॉन यू डी अपॉन एफ ई। तो वी ओ साइन ही रखते हैं, कोई ध्यान रखना, ऐसे ही रख दो बस, 18/17 इंटू 25 और एफ ई 2, 18 के संग कैंसिल हो गया, तो माइनस 17 इंटू 25/2, ये आ गई मैग्निफिकेशन। सॉल्व कर सकते हैं इसे, ये आ जाएगा सॉल्व करके बेटा 8.5, तो आ रहा है 25 इंटू 8.5, 5 5 25 कैरी 2, 5 2 10 12, 8 5 40 कैरी 4, 8 2 16, तो आंसर आ रहा है 282.5। तो मैग्नीफाइंग पावर हो गई माइनस 282.5। तो इस तरीके से हमने माइक्रोस्कोप के करने सीखे, जब लेंथ दे रखी हो तो कैसे करते हैं, जब केवल मैग्नीफाइंग पावर निकालनी तो कैसे करते हैं। अब कुछ क्वेश्चन बेटा हम टेलीस्कोप के भी करके देखते हैं। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, अ टेलीस्कोप हैज मैग्नीफाइंग पावर ऑफ 10 इन नॉर्मल एडजस्टमेंट एंड लेंथ ऑफ ट्यूब या डिस्टेंस बिटवीन टू लेंस इज 22 सेंटीमीटर, फाइंड फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आई लेंस। अब देखिए, नॉर्मल एडजस्टमेंट मतलब होता है इन्फिनिटी वाला केस। तो इन्फिनिटी में मैग्निफिकेशन होती है माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई, और लेंथ होती है एफ ओ प्लस एफ ई मोड। अब तुमको लेंथ दे रखी है 22 सेंटीमीटर और मैग्नीफिकेशन दे रखी है 8 नहीं लेंगे, माइनस 8 लेंगे, क्योंकि यहाँ पर केवल मैग्नीट्यूड दिया हुआ है,
माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर नेगेटिव में आती है, सॉरी 10 दिया हुआ है, तो -10 इज इक्वल टू -FO अपॉन FE, माइनस माइनस कैंसिल हो गए, FO इज इक्वल टू 10 FE, FO की वैल्यू रख दो, लेंथ इज इक्वल टू 10 FE प्लस FE, तो लेंथ रखिए 22 इज इक्वल टू 11 FE, तो FE इज इक्वल टू 2, FE की वैल्यू 2 आ गई, FO की वैल्यू आ जाएगी 10 इंटू 2, 20 सेंटीमीटर। तो इतना सिंपल क्वेश्चन था, बस एक ही बात ध्यान रखनी है कि जो मैग्नीफाइंग पावर है वो 10 दे रखी है, वो 10 की जगह -10 लेनी है, क्यों लेनी है -10, क्योंकि मैग्नीफाइंग पावर टेलीस्कोप की नेगेटिव में आती है, या तो मैग्नीट्यूड इक्वल कर दो केवल, या फिर साइन के संग रख दो। देखते हैं और, अ टेलीस्कोप हैज फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव इक्वल टू 20 सेंटीमीटर एंड आई लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, कैलकुलेट मैग्नीफाइंग पावर, कैलकुलेट मैग्नीफाइंग पावर व्हेन फाइनल इमेज इज एट इन्फिनिटी, सेकंड केस फाइनल इमेज इज एट डी, केस वन जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी बन रही है, जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी बनती है तो मैग्निफिकेशन होती है -FO अपॉन FE, तो FO दे रखा है 20 और FE दे रखा है 5, तो मैग्नीफाइंग पावर हो गई -4। और सेकंड केस में एट डी नियर पॉइंट पे, तो नियर पॉइंट पे होता है तो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला होता है -FO 1 अपॉन FE प्लस 1 अपॉन डी, तो FO कितना है, FO है 20, FE कितना है 5, और बेटा D तो फिक्स होता है 25 सेंटीमीटर, ये आपको याद करना पड़ेगा, तो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला आ रहा है -20, 25, ये आ जाएगा 6 प्लस 1 अपॉन 25, तो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला आ रहा है -20 इंटू 7 अपॉन 25, इसे कैंसिल कर लो, 5 4 20, 5 5 25, सॉल्व का क्या आ रहा है -28 अपॉन 5। तो इतने सिंपल क्वेश्चन होते हैं, आप ट्राई करें और कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं।